Lights stay flicker and the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pom pom pom. Ghostly figures, they can get so bitter. Show you want to until you can turn back. तो आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने एक फोल चुनल के जो वीडियो बनाई थी उसमें अमन भाई से मिले थे। तो आज अमन भाई से मिलते हैं वापस। क्या चल अमन भाई? बढ़िया, कैसे हैं? तो भाई मैंने देखो लास्ट वीडियो में अमन भाई ने क्या बोली थी, गाड़ी लेने की बात कर रहे थे एक छोटी। तो भाई ने छोटी गाड़ी तो ली नहीं, उससे थोड़ी सी बड़ी ले ली। तो भाई ने लिया देखो अपनी फ्रॉन्क्स। मैं आपको थोड़ी सी देखो जूम करके दिखा देता हूँ अपनी गाड़ी। ये भाई ने हमारे लिए फ्रॉन्क्स। तो अमन भाई, फ्रॉन्क्स लेने का कैसा बना आपका? भाई जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि छोटी गाड़ी तो चाहिए भाई, बिल्कुल झटका तो नहीं झेलेगा। तो मैं पहले स्विफ्ट की सोच रहा था भाई, बेस मॉडल देखा, फिर दो चार दोस्तों ने सजेस्ट किया कि भाई यार ये गाड़ी तो बहुत ज्यादा कॉमन है, कुछ दूसरा देख लो, थोड़ा बजट एक्सटेंड करा। हाँ, फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि चलो 1-1.5 लाख ऊपर चलते हैं, मैं बलिनो देख लेते हैं। बलिनो समझ आई। फिर मैंने सोचा यार मेरे को वैसे कंपेयर करूँ बलिनो और i20 में रेट कितना फर्क है नहीं, बिल्कुल i20 लेते हैं, i20 बेस मॉडल में सब कुछ चीजें मिल रही थी। फिर एक दिन नजर पड़ी इस गाड़ी पे, फ्रॉन्क्स पे। मैंने कहा ये कौन सी गाड़ी है, अभी मार्केट में पहले कभी देखी नहीं थी गाड़ी। हाँ, ये अभी आई नहीं है मार्केट में, बिल्कुल। ये कौन सी गाड़ी है, मेरे को देख के ऐसे लगा कि गाड़ी थोड़ी मतलब महंगी है। हाँ। फिर जैसे मैंने जाके बात करी पता चला कि 8.5 का इसका बेस मॉडल आ रहा है। तो भाई आपने इसे बताया, पहले मेरे को ये बताओ अमन भाई ये मॉडल कौन सा अपना? ये सिग्मा बेस मॉडल। बेस मॉडल है, तो मैं एक बार भाई को दिखा देता हूँ जरा कि भाई बेस मॉडल है। इसकी पहचान क्या अमन भाई, आप ये बताएंगे? देखो ये आपका इंडिकेटर आ गया फेंडर पे। एक से देखो, ये भाई ने क्या नंबर भी लिया हुआ है, बाकी नंबर के भी बात करेंगे, पहले चलते हैं। फेंडर पे इंडिकेटर आ गया, ये ब्लैक, ये देखो ये हो गया, ये हो गया, ये अपना। तो भाई इस चीज से पता चलता है कि बेस मॉडल है, बाकी तो कोई कह नहीं सकता। देखो एक बार रियर से दिखाता हूँ मैं आपको। पीछे से पूरा सेम रहेगा, बस ये लाइट नहीं चलेगी। अच्छा, वाले मॉडल में भी नहीं आती वो लाइट, किसी में भी नहीं आती, उसी तक टॉप में आएगी वो, मतलब इससे दो मॉडल ऊपर जाके उसमें जलनी शुरू होगी। अच्छा, तो यार इसका तो कोई मैटर ही नहीं करता। देखो ये भाई अपनी फ्रॉन्क्स, मैं कह रहा हूँ इसमें कोई बैजिंग ही नहीं है कि भाई मॉडल कौन सा है। सबसे बढ़िया चीज तो ये है कि इसमें कोई बैजिंग ही नहीं है अमन भाई, बिल्कुल कि कोई पीछे से बता नहीं सकता भाई। पीछे से इसकी लुक बहुत सेक्सी गाड़ी है भाई, बहुत ज्यादा सेक्सी। एक बार आप सामने देखोगे ना तो भाई तुम बोलोगे हाँ भी, एक बार ना देखने बलेनो वलेनो देखना अच्छा कि भाई एक बार इस गाड़ी को देखो। i20 वगैरह के बजट में आ जाते, बलेनो के बजट में आ जाती है तो उनसे अच्छी है। और ऊपर से SUV देखा जाता है, बलेनो का ये एक अपग्रेडेबल मॉडल है जो कि SUV में बनाया गया। तो अमन भाई अब मेरे को ये बताओ कि इस गाड़ी को लेने का पर्पस क्यों था फिर? भाई ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही थी। हाँ। और जो पीछे की लुक थी भाई, ऐसी गाड़ी मतलब इतने पैसों में ऐसी लुक नहीं मिल रही ना किसी गाड़ी में। ये तो है, मैं चलो एक बार आपको ये दिखाता हूँ, दिखाता हूँ ग्राउंड क्लियरेंस इसका। तो भाई देखो ग्राउंड क्लियरेंस इसका होगा 185 के आसपास होगा। तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस से क्या, आपने भाई कहीं भी पहाड़ों में ले जाओ, ऑफ रोडिंग थोड़ी बहुत तो करी लेगी मारुति है भाई, कर लेती है। तुम्हें पता है भाई ब्रेजा कितनी मशहूर है इसके, ब्रेजा के बाद ही नेक्सा में ये डाली गई है, ब्रेजा के उस पे भी, हाफ पे ही। अब बाकी चलो मैं एक बार ना तुम्हें अंदर वगैरह दिखा दो। बाकी मुझे अमन भाई एक चीज़ बताओ छोटी सी, इसके इंजन के बारे में। भाई इसमें दो तरीके के इंजन आ रहे हैं, तो ठीक है, और एक 1.2। ठीक है, जो 1.2 है मतलब ये जो गाड़ी है मतलब मेरे हिसाब से बहुत ठीक है, मतलब जैसे मुझे चाहिए जितनी पावर मुझे चाहिए। और मैं 5-6-7 जनों को बैठा के गाड़ी चला चुका हूँ, मेरे को इंजन में ऐसे कोई कमी नहीं लगी कि भाई लोड मान रही है गाड़ी, कुछ कर रही है गाड़ी, खूब बढ़िया चल रही है। पर इसका जो 1.0 वो टर्बो होगा, वो टर्बो होगा इंजन। अच्छा, वो भाई जो पावर है उस गाड़ी में, इतनी छोटी सी गाड़ी में इतनी पावर दे रखी है भाई, रॉकेट बना रखा है। तो भाई देखो जैसा अमन भाई बता रहे भाई टर्बो की तो बात अलग है। एक बार इसका भाई बूट खोल दीजिए आप, मैं एक बार भाइयों को इंजन दिखा देता हूँ। ये देखो यार फ्रंट व्यू वगैरह देखो इसका, भाई दूर से देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि अपनी है विटारा ब्रेजा है, दूर से सीधे विटारा ब्रेजा वाली लुक है इसकी। अमन भाई बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो भाई इसका इंजन कैसे पैक्ड है। अगर आप कहोगे तो मैं एक बार इसके इंजन के साउंड वगैरह भी सुना दूंगा भाई। बहुत ही प्यारा इंजन, देखो कितना प्यारा, कितने प्यारे तरीके से सेटअप किया हुआ है। और अमन भाई को भी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है तो देखो अपने यहाँ पे देख सकते हो भाई पूजा वगैरह की गाड़ी को, बस एक महीना हुआ है। कितनी चला ली अमन भाई एक महीने में? चला दी 1300-1400 किलोमीटर भाई, बहुत चला दी 13। जिसमें कि मतलब मेरा ऑफिस रहता तो उतना लेके घूम नहीं पाता हूँ, बस रात का टाइम मिलता है रात में निकालता हूँ। हाँ तो भाई वही है, नाइट आउल है, रात में घूमते हैं, दिन में घूमने का। कि भाई मैं हो रहा था परेशान इसके एवरेज से। अच्छा, 14-15-14 मैंने कहा भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, ये ली मैंने एवरेज के लिए थी, कि मैंने कहा एक गाड़ी छोटी चाहिए जो एवरेज निकाल दे। भाई कल रात ऐसा हुआ कि हम किसी बर्थडे पार्टी से आ रहे थे तो ऐसे ही प्लान बन गया भाई मुरतल चलते हैं। हाँ। चलो भाई मुरतल चलते हैं, तो भाई इसने एवरेज निकाला 22+ का। भाई 22+ का एवरेज अब लगाओ यार, मैं इसमें दिखवा दूंगा ना एक बार ट्रिप वगैरह में, भाई ने डाला होगा कि भाई 22+ का एवरेज अगर ये गाड़ी दे रही है तो भाई तुम्हारे ना पैसे, तुम अगर इसके अंदर 8-9 लाख रुपए लगाते हो तो पूरे वर्थ है, वो पूरे वर्थ है भाई, A to Z सारा पैसा वर्थ है। एक बार इंजन बंद कर दिया, अंदर से भी आपको दिखाऊंगा पूरी गाड़ी।
ये बंद करते बाकी इसमें एक बार टायर प्रोफाइल दिखा देता हूँ आपको। टायर प्रोफाइल कितनी अपनी भाई? 16 इंची आते हैं गुडियर के टायर से, और इसके टायर बेसिक टॉप में सब में 16 इंची आ रहा है, सब में 16 इंच है। तो टायर प्रोफाइल यहाँ लिखी हुई है, ये है 195/60 R16। तो R16 के इसके व्हील्स हैं, मतलब 16 इंची के व्हील ही आते हैं इसके। टॉप मॉडल तक ये गया था, बस में एलो व्हील चेंज हुआ था। एलो व्हील देखना भाई इसके, बहुत प्यारे हैं, कंपनी फिटेड जो आते हैं डायमंड कट में। अब एक बार ना अंदर चल के बात करेंगे इस गाड़ी की। चलो मैं एक बार ना आपको वॉक अराउंड दिखाता हूँ पहले, वो एक बार चारों तरफ से कि गाड़ी कैसी है। तो ये जो भाई देखो आप गाड़ी देख रहे हो ना, ये है अपनी फ्रॉन्क्स, मैं आपको दिखा रहा था। अब देखो साइड व्यू उसका कैसा है, एक बार मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो भाई लैम्बोर्गिनी उरुस वाली लुक है साइड से तो इसकी थोड़ी थोड़ी, और फ्रंट से दिखाता हूँ तो फ्रंट से आपको देखने में लगेगा भाई विटारा ब्रेजा, वो सॉरी विटारा ब्रेजा नहीं, अपनी ग्रैंड विटारा। ये ग्रैंड विटारा की जैसे लुक है, लुक से एकदम बाहर से। और अब आप ये देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये आ जाते हैं भाई इसके प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर पर बल्ब इसके अंदर हैलोजन देते हैं, अगर प्रोजेक्टर के अंदर भाई लाइट दे देता ना LED तो और मज़ा आ जाता। यहाँ पर आप इसके देखिए इंडिकेटर हो गए, ये पार्किंग हो गई अपनी, और ये क्रोम ग्रिल इसकी बेस मॉडल से आती है। ये अमन भाई इसमें ये क्या कहते हैं उसमें पियानो फिनिश आती है, इससे ऊपर वाले मॉडल्स में। तो दोस्तों ये ना अपर मॉडल्स में पियानो फिनिश आती है, इसमें प्लास्टिक वैसे दी हुई है, बाद में तो हो जाएगी आफ्टर मार्केट तो हो जाएगी ये भी। बाकी मैं एक बार और साइड से दिखाता हूँ आपको, साइड देखो व्हील आर्चेस वगैरह कितने दिए हुए, बड़े दिए हुए हैं अच्छे खासे ऑफ रोडिंग के लिए। और ये अपने इंडिकेटर आ गए, इससे ऊपर मॉडल में जाओगे तो देखो यहाँ पे आ जाएंगे इंडिकेटर्स अपने साइड मिरर पे। और यहाँ पे देखो हैंडल्स आपके दिए हुए ब्लैक, इसके अंबर अगर क्रोम गार्निश हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा मामला। ये हो गए, बाकी अगर चाहे तो इसमें पेंट करा के सेम करा सकते हैं, तीनों चीज़ें हैं ना। बूट स्पेस दिखाते, चलो एक बार मैं इसका ना बूट स्पेस दिखाता हूँ। ये अपना फ्यूल टैंक हो गया, बूट स्पेस दिखाते कि भाई इसके अंदर बूट स्पेस कितना है। तो भाई ये देखो बूट स्पेस तो भाई काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, सामान लेके मतलब 4-5 बंदों का सामान आराम से लेकर ट्रिप पर जा सकते हैं, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है। पार्सल ट्रेस के अंदर आती नहीं, बेस मॉडल है, लेकिन यार बूट स्पेस देखो गहराई कितनी है भाई, यहाँ से देख सकते हो कि भाई मेरा पूरे मतलब 2 हाथ बंदों के आराम से लग सकते हैं, एक बड़ा बैग अच्छा खासा आ जाएगा इसके अंदर पूरा सीधा खड़ा होके भी। बूट स्पेस की तो भाई तारीफ है इसकी, काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस बनाया है, मतलब स्पेस बहुत बढ़िया दिया है इसमें गाड़ी के अंदर। ये अपने बेस मॉडल से इसमें 3 रेस्ट आ जाते हैं हेड रेस्ट। चलो अंदर जाके बात करते हैं, चलो एक बार चलते हैं अंदर गाड़ी के अंदर, फिर बात करेंगे अमन भाई से, करते हैं अपने यहाँ से डिग्गी को बंद। तो दोस्तों अब चलते हैं एक बार अमन भाई के पास अंदर से, देखते हैं अंदर से गाड़ी में हमारे क्या क्या चीज़ें मिल जाती है बेस मॉडल में। ये हमने गेट खोला, अब चलते हैं अंदर। तो ये हम आ गए भाई के पास, गेट कर लिया अपन। तो भाई देखो ये नया वाला स्टेयरिंग जो अपना दिया है, अब स्विफ्ट के अंदर भी यही आता है। एक बार अमन भाई चाबी दिखाना इसकी। तो भाई ये देखो ये अपनी गाड़ी की चाबी आती है, सेंटर लॉकिंग आती है बेस मॉडल से जी भाई। तो भाई देखो ये तो काफ़ी अच्छा किया हुआ मारुति भाई, बेस मॉडल से वो सेंटर लॉकिंग दी हुई अपनी। एक बार गाड़ी को थोड़ा सा लाइट वाइट जला लेते हैं। ये देखो डिस्प्ले देखो इसकी, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, ये भाई कंपनी से ऐसे ही आता है बदलवाया है। सबसे मैं अभी तक गाड़ी में 1 रुपये का काम नहीं कराया मैंने भाई, जैसी गाड़ी आई थी रॉ वैसे ही है, सिर्फ एक मैट डलवाया मैंने। अच्छा। उसके अलावा 1 रुपये का काम नहीं कराया अभी गाड़ी में। तो जैसे देखो अमन भाई बता रहे ना, अमन भाई ने इसमें 1 रुपये का काम नहीं कराया, जैसे गाड़ी आई है वो छोटे मोटे जैसे होते हैं मतलब एक्सेसरीज मान लो बस वो लगवाई है, जैसे अपने खुशबू वगैरह के लिए लगवा दिया, मैट्स वगैरह लगवा दिया बस, इसके अलावा और कुछ नहीं लगवाया। बाकी भाई सीट की कंफर्ट में बताऊँ ना भाई, पर्सनल सीटिंग का सीटिंग कंफर्ट भाई मेरी गाड़ी से ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो, अपनी सेल्टोस से ज़्यादा अच्छी है सीट। और इसके अलावा देखो इसके अंदर देखो भाई बेस मॉडल है तो यहाँ पे कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं आता, ये अपने AC हो गए। बाकी देखो सबसे बढ़िया चीज़ इसके अंदर AC अपना आता है, ऑटो AC ऑटो आता है, पावर विंडोज आ रहे हैं, 1 टच डाउन आ रही है, 1 विंडो आ रही है अपने पास। तो भाई ये देखो ये फीचर भाई बहुत बढ़िया है यार, 1 टच डाउन के ना अलग ही मजे है कि यार बार बार ना बटन पे उंगली रख के रखनी नहीं पड़ती बंद करने के लिए खोलने के लिए, बस 1 टच करो। तो भाई देखो जैसा हमने बताया था ना विंडो की 1 टच डाउन हो गई अपनी, अभी तो देखो मैंने बंद कर दी इसलिए नहीं हो रही, ये देखो 1 टच पे अप हो गई, 1 टच डाउन हो जाएगी। बाकी देखो इसके अंदर मिरर आ गया आपका, ये मैनुअल आ गया डे नाइट का, और बस यहाँ पे देखो भाई सही बताऊँ ना एक चीज़ की कमी रह गई, एक के बस 2 चीज़ों की कमी है, स्टीयरिंग कंट्रोल्स और स्क्रीन की। कोई बता नहीं सकता कि भाई बेस मॉडल है टॉप मॉडल है। अब देखो इसकी ग्रिप कितनी बढ़िया है स्टीयरिंग की यार, अपने स्विफ्ट वाला वही है, स्विफ्ट के अंदर और बलेनो के अंदर आता है ये वाला स्टीयरिंग है ना। और इसके अलावा देखो भाई छोटी मोटी चीज़ें AC वगैरह यहाँ पे, कार्बन फिनिश यहाँ पे दी हुई है, कार्बन फिनिश यहाँ पे दी हुई है, सिल्वर एक्सेंट्स दिए हुए हैं, और ये पर्पल का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इसके अंदर देखो, ब्लैक और पर्पल, ये कुछ ना मरून शेड है कुछ। हाँ, मतलब वही मरून हो, मरून टाइप का शेड है। इसमें 2 चीजें फीचर्स मुझे काफी अच्छे लगे बेस मॉडल में जो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, एक तो ट्रैक्शन कंट्रोल और एक वो सेमी ऑटोमेटिक, मतलब अगर गाड़ी का मैं कहीं रोकता हूँ ना रेड लाइट पे तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्लच दबाओ तो स्टार्ट हो जाती है अपने आप, और एक ट्रैक्शन कंट्रोल जो मतलब गाड़ी की ग्रिप बना के चलता है। बिल्कुल 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 भाई, ट्रैक्शन कंट्रोल तो आज के लिए बहुत जरूरी है, देते वेते मैं कहीं फंस जाते हैं ट्रैक्शन अपना ऑफ किया
और गाड़ी निकाल दो, ट्रैक्शन छोड़ देती है, वरना गाड़ी के अपने टायर घूमते रह जाते हैं, ट्रैक्शन बहुत जरूरी है। और जैसा मन भाई ने बताया कि यहाँ पे ऑटो स्टार्ट ऑफ वाला होता है, जब पहले भाई बहुत पहले उसमें आता था अपना, क्या कहते हैं स्कॉर्पियो में, तो अब क्या है वो बटन दबा के रखोगे तुमने, अगर न्यूट्रल कर दिया अपनी गाड़ी और न्यूट्रल करने के बाद गाड़ी अपने आप ऑटो ऑफ हो जाती है, और जैसे अपने क्लच भींची वो आप स्टार्ट हो जाती है। तो भाई ये ना बहुत बढ़िया लगता है सीन, अपने आप स्टार्ट हो जाती है। बाकी देखो भाई इसके अंदर सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको, एमआईडी के कंट्रोल्स कहाँ पे हैं भाई इसके, ये देखो भाई ये इसके एमआईडी के कंट्रोल्स है सारे, ये रेंज दिखा रही है, ये रेंज दिखा रही है, ये एवरेज देखो भाई, अब अच्छे से देखो 20 की, जो मन भाई बता रहे थे ना कि कल इन्होंने जो गाड़ी चलाई थी इससे खुश हुए थे, बस ये वो कल जो 20 की माइलेज थी उससे मन भाई सेटिस्फाई हुए कि गाड़ी सही माइलेज दे रही है, एवरेज दिया मैं खुश हो गया, मैंने कहा भाई अब नहीं चाहिए और ज्यादा कुछ, चलो बढ़िया। उसके अलावा देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो जैसा मैं दिखा रहा था ना, मैंने फ्लैश ऑन कर लिया गाड़ी की, मैंने आपको दिखा दिया, मैं दिखाता हूँ देखो नीचे, ये अपना पावर सॉकेट आ गया, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, बाद में देखो कुछ भी लगवाना चाहिए अपग्रेड कराना चाहिए करा सकते हैं, ये आपका ग्लास होल्डर आ गया, यहाँ पे कप होल्डर वगैरह कह सकते हैं, यहाँ पे अपना स्पेस दिया हुआ थोड़ा सा, बाद में चाहे तो आफ्टर मार्केट यहाँ पे आमरास लग सकता है, ये अपना हैंड ब्रेक हो गया, और ये अपना आ गया गियर लीवर, भाई 5 गियर आते हैं और रिवर्स आता है, इसके अंदर अगर थोड़ा सा वो वाला दे देते ना 6 गियर दे देते तो रिफाइनमेंट और बढ़िया हो जाती, क्योंकि भाई अमन भाई मांगती है गियर, छठा गियर मांगती है, नहीं मुझे नहीं लगता मांगती है, अभी तक हाईवे पे ट्राई नहीं किया, मैंने हाईवे पे ट्राई करा, मतलब मेरे को गाड़ी ठीक लगी, इतना मतलब सेटिस्फाइड हूं मैं परफॉर्मेंस से, चलो फिर तो बढ़िया है, अंडर पावर नहीं लगा अभी तक गाड़ी को, नहीं अंडर पावर नहीं, जैसा लगता है कि गाड़ी अब पांचवे गियर में 120 की स्पीड पे कह रही है, एक गियर हो रहा था तो फिर 160, चलो देखो तो कितने गियर 10 कर दो फिर तो, पर मतलब मेरे को ठीक लगा, मेरे को ऐसी कोई जरूरत लगी नहीं लगी ऐसा कुछ, बस मेरे को जो जरूरत लगी मेरे को लगा कि यार ये जो लाइट देनी चाहिए यहाँ पे जो आ रही से एक ऊपर मॉडल में एक लाइट, हाँ यार ये देखो ये देनी चाहिए, फ्रंट लाइट्स तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे दिखे बीच में मिडल में, तो यार ये तो बेकार आ जाती है, और एक ये मेरा ये कंट्रोल आते हैं मतलब यहाँ भी ना होते, यहाँ के होते सिर्फ वॉल्यूम अप डाउन होते और दो बेसिक चीज होती, तो उसके लिए अमन भाई देखो मैं बात काटता हूँ भाई, उसके लिए तो करोल बाग जिंदाबाद है भाई, 4-5 हजार में स्टीयरिंग बदल ले रहे हैं लोग तो और क्या चाहिए, जैसे कि i20 में क्या ना, i20 के बेस मॉडल में ही आपको देखो ये मिल जाता है, आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है आपको, यहाँ पर वो मिल जाती है लाइट्स, तो मतलब ओवरऑल एकदम फुल पैकेज गाड़ी में अगर कोई काम कराने जरूरत तो भाई जी अब मेरी बात सुन, जैसा बता रहे हो भाई i20 की बात करो, i20 वो आपकी हो गई हैचबैक और ये आपकी कॉम्पैक्ट एसयूवी हो गई, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में आ गई, तो भाई उसका भी तो फर्क पड़ गया ना, फर्क तो पड़ गया, पर अर्जुन भाई पैसों को कंपेयर करो तो मतलब ऐसे मैं सोच रहा था ना कि पैसों की कंपैरिजन में तो ऐसे आप देखोगे कि भाई कोई छोटी गाड़ी देखे उसका टॉप मॉडल आ जाएगा तो उससे फर्क पड़ता है, गाड़ी बड़ी ले रहे हो तो थोड़ा सा देखो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो चलो अमन भाई एक बार ना आप सिटिंग कंफर्ट के बारे में बताओ कि भाई सीट कैसी लगी, कंफर्ट कैसा लगता है, ऐसी है मतलब मजा आता मेरे को तो बैठ के, मतलब मुझे कोई कमी नहीं लगती सीट में, इससे अच्छी नहीं हो सकती, देखना भाई क्या मैं अभी भाई जैसे को मैं आपको खुद बता रहा था ना कि भाई मेरे को अपनी गाड़ी से ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स लगी इसकी, भाई मेरी गाड़ी की सीट है ना स्पेस, गाड़ी में स्पेस ऐसा भाई मैं इतना मैं बेंड कर जाता हूँ पीछे वाले बंदे को दिक्कत नहीं होती, मतलब इतना लेट के जाता हूँ मैं, इतना ही लेट के रखता हूँ सीट ऐसी रखता हूँ भाई, अंदर तो देखो काफी अच्छा खासा स्पेस है, ऊपर से देखो तीन पीछे हेडरेस्ट दिए हुए हैं, दिखाता हूं आपको पीछे से ऐसे, चलो एक बार अमन भाई पीछे बैठ के देखो सीट, देखो यहीं पे ठीक है ये सीट वहीं की वहीं है, और एक बार अमन भाई पीछे बैठ के दिखाएंगे मेरे घुटनों के बीच, अब गैप देखो ये देखो भाई कितना गैप है यार, 6 फुट का बंदा आराम से बैठ सकता है, अब मैं लेटा था और वहाँ पे लेटे हुए, तो देखो आगे लेग रूम में कितना स्पेस छोड़ा हुआ है, तो भाई अब देखो मेरे मैंने मेरी सीट कितने पीछे है भाई, इतने पीछे तक कौन गाड़ी चलाता है इतने लंबे पैर करके अब सीट आगे होगी बिल्कुल रिक्लाइन करी हुई है, इसके बाद देखो सिटिंग कंफर्ट की बात कर ले, चलते एक बार बाहर और वीडियो करेंगे अमन भाई, ठीक है खत्म, ठीक है तो चलो एक बार बाहर चलते हैं, तो अमन भाई देखो हम आ चुके हैं बाहर, अब मेरे को आप अमन भाई ये बताओ इस गाड़ी को कहाँ का ले जाने का प्लान है आपका, अब तक तो आपने बहुत टूर मारे हैं, दबके टूर मारे हैं, अब इस गाड़ी का कहाँ लेके जाओगे, सबसे पहले तो जा रही है इलाहाबाद, मैं मेरा दोस्त लॉ कर रहा है कार्तिक है इलाहाबाद से, तो अभी इस महीने के एंड तक मैं इलाहाबाद लेके जा रहा हूँ, 700 किलोमीटर की राइड रहेगी एक साइड से, अच्छा उसके बाद मैं बताऊंगा क्या एवरेज दिया है कैसा मतलब मजा आएगा, नहीं 22-25 के तो भाई दे ही देगी भाई, हाईवे मुरथल तक निकाल दिया, तो भाई ये बताओ थकते तो नहीं हो गाड़ी चला के, भाई कम्फर्ट लेवल बहुत बढ़िया दे दिया, तो जैसे मन भाई देखो 100-200 किलोमीटर चला के थकान से हो जाते वो तो नहीं होते इस गाड़ी में, बिल्कुल नहीं भाई बिल्कुल नहीं, मैं कल रात में मतलब इनफैक्ट मैं इतना ट्रैवल करके पूरा नोएडा दिल्ली एनसीआर और उसके बाद मैं मुरथल लेके आऊँ मेरे को ऐसा कुछ नहीं हो भाई, तो चलो यार बढ़िया देखो कंफर्ट तो चाहिए गाड़ी में और क्या चाहिए, तो इसके बाद अमन भाई मेरे को ये बताओ अब इसके अंदर मॉडिफिकेशंस क्या क्या चाहिए आपको, भाई मेरे को बेस मॉडल है स्टीरियो चाहिए और माउंटेड स्टीयरिंग चाहिए, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स चाहिए, कंट्रोल्स चाहिए, बाकी वो जो लाइट थी सामने वो, बाकी डीआरएल वगैरह थोड़ा सा मतलब मैं करवाने की सोच रहा हूं बाद में, अच्छा काफी मोटा खर्चा जाएगा भाई डीआरएल का, तो मोटा खर्चा लाइट वाइट बदलेगी पूरी, फिर वो कपलर चेंज होंगे, साइड मिरर्स होगा और वो पीछे की लाइट, इसके अलावा मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो 1-1.5 लाख का खर्चा है, और अभी व्हील्स तो मैंने पसंद कर रखे हैं वो कब डलाने हैं वो भी डिसाइड कर रखे हैं, चलो वो भी हो जाएंगे, बात करते हैं देखो एक बहुत ही जो अमन भाई ने लिया था नंबर, तो भाई इस नंबर के बारे में बात करते हैं, ये है अपना UP16DW7111, तो भाई इस नंबर का रीजन, भाई इस नंबर का रीजन ये है जो मेरा भाई है कार्तिक है,
इसकी फॉर्च्यूनर पे सेम नंबर है, अच्छा 7111, तो वही मेन रीजन था ये नंबर लेने का। अच्छा तो मतलब जो आपने ब्रो कोड अपना भाई, अच्छा ब्रो कोड के चक्कर में आपने नंबर लिया, तो एक बार देखो फोकस कर लो भाइयों नंबर। अब ये फ्रोंग्स के अंदर भाई नंबर देखो काफी अच्छा खासा वीआईपी लग रहा है। अब बाकी मेरे को मन भाई ये तो कितने का पड़ा है आपको भाई? ऑक्शन में थोड़ा सा ऊपर चला गया, 20-25 हजार रुपए को मेरे को नंबर पड़ गया। फिर भी भाई ठीक है, 20-25 हजार में और क्या चाहिए यार, तुम्हें सीरीज मिल गई जो तुम्हें चाहिए। एक गाड़ी और अपनी निकल रही है ऑल्ट्रोस सेम नंबर के साथ, 7111 तो सारे मतलब सारे याद हो, सेम नंबर चला के घूमोगे 7111। तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी आ रही है, इस पर भी सेम नंबर है, पर उसको थोड़ा ऐसी है कि वो अपना नंबर नंबर जो दिखवा रहे हैं पंडित जी से, तो थोड़ा अलग आ रहा है उनका। अच्छा तो पंडित जी दिखवा के नंबर ले रहे हैं, बाकी तुमने तो अपने यारी दोस्ती में ले लिया, हमने तो प्यार में लिया जी। चलो बढ़िया है भाई, तो चलो अमन भाई अपनी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। चलो ठीक है अमन भाई, मिलते हैं बाकी दोस्तों, जिसको वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।